मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मे घाट दरभंगा। लांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा रामनगर आईटीआई में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा परमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का होगा आयोजन। मंत्री जीवेश कुमार करेंगे उद्घाटन 25 मई को। कुईटी विधायक मुरारी मोहन झा पीड़ित के साथ मिले एसएसपी से लगाया थाना प्रभारी पर मारपीट कर केस दर्ज करने का आरोप। वार्ड नंबर 36 की जनता पानी नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर जलमीनार में लगाया ताला, अभियंता को खदेड़ा। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 के सन्नी कुमार के लापता होने पर परिजन मिले एसएसपी से लगाई गुहार, एसएसपी ने दिया आश्वासन। दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार अब सप्ताह में 2 दिन, आज अधिक संख्या में पहुंचे फरियादी। दरभंगा बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत निसरिया गांव में शादी समारोह में गोलीबारी में एक व्यक्ति की हुई मौत। वामदल सीपीआई सीपीआईएम भाकपा माले एमसीपीआई एसयूसीआईसी की संयुक्त बैठक सीपीआई कार्यालय। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनकी क्षेत्र से एक कार के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 45 लीटर शराब बरामद। जल जमाव की समस्या को लेकर एमएसयू ने बैंकर्स कॉलोनी में दिया एक दिवसीय धरना। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव में पवन कुमार पिता दिनेश कुमार सहनी कुमरौली निवासी को धक्का मारकर फरार हो गए। शादी समारोह में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी के घटना स्थल पर पहुंचकर बताया कि नसरिया गांव में बीती रात मनोज सिंह की पुत्री की शादी थी। बारात लहरिया सराय के डिहरामपुर से आई थी। खाना खाने के दौरान गोली चली, इसी में अवधेश को गोली लगने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दरभंगा के कोईटी विधानसभा के विधायक मुरारी मोहन झा आज अपने ही सरकार के एक थाना प्रभारी से गुस्साए सीधा एसएसपी के पास पहुंचे। उन्होंने एसएसपी के पास पीड़ित को न्याय दिलाने की बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने अनावश्यक रूप से मारपीट की, उसके बाद केस दर्ज कर दिया गया जो बिल्कुल झूठा था। यहाँ आए थे तो कि पिछले मार जो है थाना के द्वारा प्रभारी के द्वारा गलत तरीके से पकड़ के ले जाकर जिससे राजीव सहनी जो वहीं के रनवे के निवासी हैं पूरी तरीके से बगैर किसी इन्फॉर्मेशन पर किसी बगैर किसी आवेदन पर ले जाके होल डे उसका थाने में रख के उन्होंने पिटाई की। श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन सह प्रशिक्षण बिहार पटना के सहयोग एवं अवर प्रदेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला का उद्घाटन जीवेश कुमार मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यह मेला लहरिया सराय स्थित रामनगर आईटीआई में 25 मई को आयोजित किया गया है। दरभंगा के लहरिया सराय क्षेत्र अंतर्गत बेलवा गंज मोहल्ला निवासी भगलू शाह का 26 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के किडनैपिंग के मामले को लेकर उसके परिवारजनों की ओर से दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से मुलाकात करके उन्हें आवेदन दिया गया। आवेदन में लिखा गया कि सन्नी कुमार 13 मई 2022 को बेंगलोर से सिटी रेलवे स्टेशन से 15 मई को दानापुर पहुंचने की बात कही और यहां के बाद वह गुम हो गया, उसका किडनैप कर लिया गया। वहीं इस किडनैप के लिए परिवारजनों ने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई है। पटना में केस कौन ले लिया? सर बोला कि हम दरभंगा आए थे, अब दरभंगा क्यों? मतलब
वार्ड नंबर 36 में अवस्थित पानी टंकी का मोटर पिछले 15 से 20 दिनों पहले खराब हो गया था, जिसके कारण मोहल्ला वासियों का हर घर जल नल योजना के तहत पाइपलाइन का सप्लाई बंद था। सोमवार को आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने वार्ड नंबर 36 अवस्थित पानी टंकी कैंपस में पहुंचकर जल मीनार में ताला लगाकर हंगामा करने लगे और पीएचडी विभाग के पदाधिकारी से लेकर एसडीओ और प्रशासन को बुलाने पर आमादा हो गए। वहीं हंगामा की खबर पाते ही पहुंचे पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता को मोहल्ला वासियों का विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता से शिकायत कर अपनी कई मांगों को भी रखा। ये जीता जागता उदाहरण है उनके फेलियर का। वार्ड नंबर 36 में 3 साल से जो पाइपलाइन बिछी पानी घर घर पहुंचाने का, सरकार ने दावा कर लिया कि हमने पहुंचा दिया हर घर में, वो बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुआ और फ्लॉप है। 3 साल से ये पानी टंकी बन के तैयार है, आज तक ये पानी टंकी दुरुस्त नहीं है, चूता है और चूता है। बगल में मस्जिद है, लोग नापाक होकर के मस्जिद में जाते हैं, हमारे मुसलमान भाई। इस पर भी कोई आज तक ध्यान नहीं दिया गया, इस सब दिन से चूते आया है। अभी वर्तमान में रमजान के पावन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का सोमवार और शनिवार सप्ताह में 2 दिनों का जनता दरबार लगता है और इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा, जहां फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं जमीनी विवाद से लेकर हत्या, एक्सीडेंट मामले तथा मारपीट सहित कई अन्य मामलों को लेकर फरियादियों ने शिकायत की और अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाई। पारी कर रहा था, डीजल लेने के लिए गया, हत्या कर दिया, गोली मार दी। यादव था, शंभू यादव, ये तेगच्छा और झाझा के बीच 10 अप्रैल इसकी पर। कुमरौली निवासी को धक्का मार कर फरार हो गए पवन कुमार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पवन कुमार केतुका चुलाई सहनी के नाती बताए जाते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार सहनी है। अब बताइए यहाँ पे क्या घटना हुआ है? देखो, मेरे को बोला आप चिंदे हैं, सरपंच साहब बोल रहा है कि चिंदे हैं आप, तो हम बोले हाँ मेरा गांव का नाती है, चुलाई सहनी का नाती है। तो हम वो बोला है कि चहर के देख ले, तो मैं चहर के वीडियो बनाने गए थे ना, तो बनाने दिया, तो बोला है कि पुलिस मतलब हेड सर था, वो बोला जाओ तू घर जा पहले, पता नहीं है, पता नहीं। बैंकर्स कॉलोनी में जलजमाव की समस्या को लेकर स्थानीय सुमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। दर्जनों लोगों के द्वारा आंदोलन सड़क किनारे बैठकर किया गया। धरना को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, बैंकर्स कॉलोनी के लोग पिछले 10 सालों से जलजमाव का सामना कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए कोई भी नेता पार्टी यहां मौजूद नहीं है। जिला पार्षद हो या मुखिया, विधायक हो या सांसद, सभी से गुहार लगाने के बाद भी किसी ने इस समस्या पर कुछ नहीं किया। लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, जिसको देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन के रास्ते को अपनाने का फैसला किया। वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, एमसीपीआई, एसयूसीआईसी की संयुक्त बैठक सीपीआई जिला कार्यालय में किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में की गई। वहीं महंगाई सहित आम आवाम के ज्वलंत सवालों को लेकर राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक आंदोलन की रूपरेखा को लेकर की गई, जिसमें सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि आम जनता को बड़ी राहत देने की बात करने वाली मोदी सरकार सिर्फ जनता के साथ एक छलावा की है। पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को बड़ी राहत का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वह महज एक छलावा है। उदाहरण 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज 9.20 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज 3.46 रुपया प्रति लीटर था। जो केंद्रीय आवाहन पर पूरे देश में 25 से 31 तारीख तक महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश के अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर जो अभियान चलाकर इसका प्रोटेस्ट करने का निर्णय है,
जिस निर्णय के तहत आज हम लोग दरभंगा जिला में भी सभी वामपंथी पार्टी के लोग बैठे हैं और इसमें सर्वसम्मत निर्णय किया गया है जो हम लोग प्रत्येक प्रखंड में यह अभियान जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रत्येक अनुमंडल मुखिया। दरभंगा उत्पाद विभाग लगातार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही है। इसी के दौरान पता लगा कि सोनकी थाना क्षेत्र में एक उजली कार में शराब पहुंचाया जा रहा है। इस बात की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने सोनकी के पास पीछा करते हुए कार को पकड़ा, जिसमें से दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने बताया कि नेपाल से शराब लेकर के दरभंगा में कहीं डिलीवरी के लिए आ रहे थे। 5 कार्टून शराब 45 लीटर बरामद किए गए।